टीबी के कारण मानसिक बीमारी, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा विषमज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। ये हमारा हॉस्पिटल है। मेंटल पेशेंट आते हैं, मानसिक रुग्ण आते हैं, तो हमारे पास में मानसिक रुग्ण आए इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको कोई मानसिक छोड़ के बाकी कोई बीमारी है नहीं। कभी ऐसा होता है कि लगता है कि उसको मानसिक बीमारी है, मगर एक्चुअली मानसिक बीमारी का कारण जो है वो कोई शारीरिक बीमारी होती है। अभी जो मैं आज का ये पेशेंट इसको लाइव बताने वाला हूँ, ये पेशेंट को मतलब अराउंड 70 ईयर्स ओल्ड पर्सन है, 70 साल का आदमी है, और उसको टीबी हुआ भेजे का। मामूली सा बुखार था और टीबी होने के बाद में वो बहकी बहकी बातें करने लगा और लोगों को ऐसा लगा कि ये पागल हो गया करके मेरे पास में उन्होंने लाया। तो आइए मैं आपको बताता हूँ ये वीडियो जिसमें टीबी के कारण उसको मानसिक बीमारी हुई है। ये जो हमारे यहाँ अभी पेशेंट एडमिट है, इनका वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ। 70 साल की उम्र है और 5-6 दिन पहले हमारे यहाँ लाया था इनको, और वो इसलिए लाया था कि बातचीत कर रहे हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है और थोड़ा हल्का सा ऐसे बेहोशी है, कपड़े में पेशाब करते हैं, चलना नहीं आता, ऐसी अवस्था में इनको लाया। और 70 साल की उम्र में पहली बार मानसिक बीमारी होना थोड़ा सा अजीब लगता है। इसलिए हमने बोला कि भाई मानसिक बीमारी नहीं, इनका देखेंगे तो इनको है क्या बीमारी। तो फिर इनका इन्वेस्टिगेशन हमने पूरा किया, सिटी स्कैन निकाला और उसमें ये मालूम पड़ा कि इनको सिटी स्कैन में तो कुछ नहीं निकला, कुछ निकाल मतलब कुछ समझ में नहीं आया। फिर पेट का पानी निकाला और पेट का पानी निकालने के बाद में इनको ट्यूबरक्यूलोसिस भी नहीं जैसे निकला, मतलब टीबी निकला, ब्रेन का पहले का टीबी। तो ऐसा होता है कि लगता है कि मानसिक बीमारी अगर के हमारे पास में आते हैं और आने के बाद में उनको निकलता है ट्यूबरक्यूलोसिस भी नहीं जैसे टीबी। अभी आज वो टीबी के दवाई के ऊपर है और उनको काफ़ी अभी ठीक लग रहा है, उठ के बैठे हुए हैं और अभी होश आवास में है और अभी बातचीत भी कर रहे हैं। मैं आपको इनको पूछता हूँ, जरा देखिए इनको क्या बोलते हैं। तो आपका नाम क्या है? प्रकाश। हाँ, क्या आपको क्या तकलीफ थी, याद है आपको कुछ? जूताप। क्या बोले? जूताप। जूताप था, बुखार आ रहा था। अच्छा, और क्या हो रहा था? बाकी कुछ नहीं था। अच्छा, बाकी आपको होश नहीं? आपको कब लाया है, आपको कुछ होश है? शुक्रवार को लाया, थोड़ा होश है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, अभी कैसा लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है। ओके ठीक है, चलो अच्छा है, जल्दी आपको छुट्टी कर देंगे अभी, है ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो ऐसा होता है कि लगता है कि भाई उनको मानसिक बीमारी है और मगर मानसिक बीमारी नहीं रहती है, एक्चुअली भेजे की बीमारी रहती है। और अभी वो काफ़ी अभी अच्छे हैं, उनको याद भी नहीं आ रहा कब से आ रहे हैं, क्या हुआ नहीं, अभी नहीं आ रहा है। और अभी भी तबियत अच्छी होने के बाद भी एक दो छुट्टी कर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो यह बीमारी जो मानसिक दिखती है और यह दिखी हमको कि भाई ये मानसिक बीमारी है, मगर उसका कारण था ट्यूबरक्यूलोसिस, भेजे का टीबी, और उसका हमने इलाज किया और वो धीरे धीरे अच्छा होने लगा। अभी काफ़ी उठ के बैठा हुआ है, जब आया तो बेहोश था, होश नहीं था, मामूली बुखार था और अभी एकदम ठीक हो गया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।